Hey guys, very good afternoon and welcome back to my channel and another brand new vlog. और मैं जा रहा हूँ राइड पे अभी. Unfortunately मुझे अभी निकलना पड़ रहा है क्योंकि प्लान मॉर्निंग का था और मॉर्निंग में अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी बारिश हो गई तो मैं नहीं निकल पाया. प्लान था सनराइज़ का बट अब सोच रहे हैं सनसेट देखते हैं. मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रिवील आगे वीडियो में बातें करते हुए करूँगा. वैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा बट इट्स ओके. सो अभी तैयार हो गया हूँ, सामान लेते हैं और निकलते हैं एक नई जर्नी के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर से और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, थोड़ा क्लाउडी है और मैं जहाँ जा रहा हूँ जितनी हमारी इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस आई एम गोइंग विच इज़ कॉल्ड गुड़ी बेंडा फोर्ट. तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से कुछ 100-110 किलोमीटर्स है टुवर्ड्स एयरपोर्ट और यू कैन से टुवर्ड्स चिकबलापुर. एज यूजुअल सैटरडे को ट्रैफिक है तो थोड़ा लेट तो मैं हो गया हूँ बट प्लान हमारा सनराइज़ देखने का था फोर्ट के हिल से बट अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मैं नहीं निकल पाया. बट कोई ना, हम सनसेट देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि उस जगह से सनसेट कैसा लगता है. सो स्टे इन द वीडियो. थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज की ये वीडियो बट आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है. सो स्टे इन द वीडियो एंड सी यू सून. बैंगलोर एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी फेवरेट रोड जिसको कहते हैं बेलारी रोड और यहाँ पे हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स होगा. बहुत ही प्यारा रोड लगता है मेरे को ये, स्पेशली इफ यू गोइंग टूवर्ड्स हैदराबाद साइड एयरपोर्ट साइड. तो अनदर 2 आवर आई गेस क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है बट इन्जॉय करते हुए जाएंगे. थोड़ी धूप भी निकल आई है तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है बट कुछ कर नहीं सकते. आई होप हमें ऊपर जाके अच्छा सनराइज मिल जाए और वेदर अच्छा हो. तो लेट्स गो. तो अभी मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट के टोल और इसको क्रॉस करके हमारे को कुछ 60-65 किलोमीटर और है बट इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा टू हैव सम टी और कॉफ़ी. तो चलते हैं. लेफ्ट 15 किलोमीटर्स के बाद हम लेंगे राइट और हम पहुंच जाएंगे उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पे. हेलो हेलो. पोर्ट के लिए ऐसे जाना है ना? वापस आके पक्का देता हूँ. अभी वो थोड़ा ब्लर सब उतारना पड़ेगा. पक्का पक्का दूंगा पक्का. ये बाइक देख लो, चैनल देख लो पूरा. भाई YouTube सब्सक्राइब. ओके अभी राधे ओ ऐसे सब. ओके कुछ बच्चे मिल गए थे, चंदा मांग रहे थे बट डेफिनेटली हम उन्हें आके वापस नीचे आके देंगे कुछ ना कुछ. प्यारे बच्चे थे
और अभी यहाँ से ऊपर तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। दूर ये बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा है, देखते हैं। Is it good? Huh? Is it good? No, it's good. It's too much? Too steppy, steppy. Oh, hate climbing. How much? 25 minutes. Oh, that's fine. I thought 1 hour, even if it takes 1 hour, no, I'm fine with that. The man will go in half an hour. Ah, okay. But it looks so, looks very steep. Scenery is very good. Scenery is very good, huh? Yeah. Ah, one minute. ओके सो फाइनली पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा सा अनपैक करके हम निकलते हैं ऊपर की तरफ। हे गाइस, सो फाइनली आफ्टर 2 hours ऑफ राइड पहुंच गया हूं मैं गुडी बंडे फोर्ट। और देख सकते हैं यहां से हमारी ट्रैक स्टार्ट होता है। सो दिस टू क्लाइम अप देयर आर लाइक सम 7 levels और ईच लेवल हैज़ अ डिफरेंट ओपनिंग। कहीं पे स्टेयर्स हैं और कहीं पे आपके कच्चा रास्ता है। तो इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स और 45 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर पेस टू गो अप। हम आराम आराम से करेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे। तो जिन लोगों को इस फोर्ट के बारे में नहीं पता, इस फोर्ट का नाम है गुंडी बंदे फोर्ट और दिस वाज मेड 400 इयर्स बैक इन 17th century बाय अ लोकल लीडर फ्रॉम द सेम टाउन नेम्ड एज बायरेगौड़ा। तो बहुत ही अमेजिंग है यहाँ से। धीरे धीरे मैं आपको ऊपर के लेवल दिखाऊंगा और चेकआउट करेंगे व्यू कैसा है ऊपर जाके। तो थोड़ी थोड़ी स्टेज के बाद आपको ऐसे कच्चा रास्ता मिलेगा और ऐसे पत्थर मिलेंगे, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। वाह, यहीं से ही व्यू बहुत ही अमेजिंग है और हमें वहाँ तक जाना है। और आई थिंक ये हमारा है level 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। वाओ, लुक एट दिस बिग रॉक। सो दिस वाज level 1 कंप्लीटेड। तो दिस इज़ level 2 और यहाँ पे कुछ लोहे के गेट वगैरह लगे हुए हैं और आई थिंक दिस इज़ टू कीप द प्रेमिसेस सिक्योर। और जो आर्मी ऑफ जो फोर्ट के सिपाही होंगे उनको सिक्योर मूवमेंट के लिए ये रखा गया है। तो लुक्स अमेजिंग, गिव्स यू अ ग्रेट फील ऑफ कमिंग टू अ फोर्ट। This is level 4. Oh wow, look at that big rock standing on a small another rock. Oh, this is crazy. This is just crazy. This is tiring.
फक आई एम स्वेटिंग सो मच बट मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है काफ़ी बट टायरिंग है थोड़ा। काफ़ी जगह स्टेयर्स है, काफ़ी जगह स्टोन्स हैं जिसको चढ़ के आप ऊपर आएंगे, बट आई एम लविंग इट। बट आई हेट ट्रैकिंग, बहुत मुश्किल लगता है मेरे को ट्रैक करना। पता नहीं लोग माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ जाते हैं दैट टू इतने कोल्ड में, बट हम हार मानने वालों में से नहीं हैं और फिनिश करेंगे। थोड़ा सा और रहता है, आई थिंक 2 या 3 लेवल और रहते हैं, तो चलते हैं जल्दी। आई हैव रीच्ड द फाइनल डोर, द फाइनल लेवल ऑफ दिस फोर्ट। वाओ, यहाँ से एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। लुक्स अमेजिंग। ये फाइनल लेवल है। वाओ, ये काफ़ी स्टीप है बट मज़े आ रहे हैं। वाह, नहीं ये फाइनल लेवल है गाइस। और कुछ और स्टेयर्स क्लाइम करेंगे बट हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड, रिजर्वायर वाटर, रिजर्वायर के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। वाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एम हैविंग आफ्टर कमिंग टू बैंगलोर। फोर्ट के ऊपर जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वाओ, लुक एट इट। दिस इज अमेजिंग गाइस, यू शुड डेफिनेटली कम हियर। बहुत ही मस्त है यहाँ से। वाओ, आई एम लाइकिंग इट। कुछ लोग वहाँ पे भी ट्रैक करके गए हैं ऊपर। क्या मस्त फोर्ट है यार। करके हम पहुँच जाएंगे सीधा फोर्ट के ऊपर। वाओ, नाइस। बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं बट मैं यहाँ स्टेयर लेके ही जाऊँगा। फाइनली अप ऑन द फोर्ट। और एक बार ज़रा वहाँ से व्यू चेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ एक फेमस शिव जी का मंदिर है उसके बारे में बात करेंगे। यह है एक शिवा टेम्पल राइट ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये शिवा टेम्पल माना जाता है कि 108 जो ज्योतिर्लिंग है अराउंड इंडिया उनमें से एक है, जो जिनकी स्थापना श्री राम जी ने करी थी। तो आई थिंक ये अभी बंद है बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और मैं एटलीस्ट दर्शन कर पा रहा हूँ। जय भोलेनाथ की। यस, ये टेंपल अभी बंद है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट अच्छा लगा मुझे यहाँ आने का मौका मिला। Game here.
बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। आप लोग यहाँ पे आएँ और अपने इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स क्लिक करें। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। के बाद मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद मैं अभी निकल जाऊंगा, बट बहुत मज़ा आया, बहुत ही सुकून भरी जगह है और आई विल सजेस्ट दिस, इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड प्लीज़ ज़रूर आएँ इस जगह। बहुत ही अमेजिंग हवा चल रही है अभी, थोड़ी स्वेटिंग थी बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। वाओ, सन भी अभी सेट होने वाला है। सो अभी थोड़ी देर यहाँ पे चिल करने के बाद मैं नीचे उतर जाऊँगा और मिलता हूँ आपको आगे, तो वीडियो में बने रहें। ये भाई लोग हमारे को मिले हैं कुछ हमारे साइड से। ये भाई हमारा फरीदाबाद से है, ये हमारा रोहतक का भाई है, ये हमारे हिसार का भाई है और ये भी हमारे वहीं का ही है, बट कोई नहीं, गुवाहाटी वगैरह में रहे हैं। बट चलो, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका रिव्यू कैसा है यहाँ पे आने का। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो भाई लोगों से पूछते हैं कि कैसा इनको लगा मेरे चैनल पर आके और इस जगह का रिव्यू देना। भाई कुछ कहना चाहोगे? बता सर। अरे शर्माने वाली वो बात है, भाई बैठे हैं तुम्हारे साथ। हाँ मतलब काफ़ी मस्त जगह है, बैंगलोर की हसन पसन से दूर, काफ़ी रिलैक्सिंग एंड मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए तो जरूर यहाँ पे विजिट करें। और भाई आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया रहा भैया ने हमारे। ओए छोड़ दे मेरा बैग, बहुत महंगा है तेरे से भाई, आ जा। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है? हाँ मुझे पता है, मैं तभी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई, बहुत महंगा बैग है ये। आप कुछ कहना चाहोगे इस जगह के बारे में? नहीं 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 ठीक है, आप मत बोलो। सो फाइनली अभी हम नीचे आ चुके हैं और मैंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं यहाँ पे, मेरे ही स्टेट सिटी से हैं, बहुत ही बढ़िया लड़के थे। तो अभी यहाँ से हमारा ट्रैक फिनिश हो चुका है और मैं अभी जाने वाला हूँ वडाडा होसा हल्ली लेक, आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम है, और जो कुछ यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर होगी। सो यहाँ से हम अपनी बाइक उठाएंगे और निकल जाएंगे लेक की तरफ, और लेक पे थोड़ा सा चिल करने के बाद वापस घर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप अभी इस अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, बताएं अपना एक्सपीरियंस, बताएं अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझ सकते होंगे, और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। राइड करके फ्रॉम द फोर्ट मैं पहुँच गया हूँ वडाडा होसना हल्ली लेक, जो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत ही लेक भी काफ़ी सुंदर है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये सनसेट पॉइंट के लिए काफ़ी माना जाता है यहाँ पे, कि लोग आते हैं यहाँ पे सनसेट एंजॉय करते हैं, और आसपास कुछ अच्छी हिल्स हैं। गाइस तो अभी मैं निकल चुका हूँ वडाडा होसा हल्ली लेक से, और बहुत ही सुंदर लेक और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक आने का। अभी सीधा निकलेंगे बैंगलोर वापस अपने घर पे। थोड़ा सा मेरे को ये रोड पे राइड करने का शूट करना था, जो मैं फोर्ट से वापस आते हुए नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने अपना गोप्रो अंदर रख दिया था। तो ये करके सीधा घर के लिए निकलेंगे, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कम दिस साइड ऑफ द सिटी, वॉच द ब्यूटीफुल फोर्ट, कम टू दीज लेक्स विच आर शोन यू इन द वीडियो। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।